हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका खास बात चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाज़ियाबाद ज़िला के बारे में। दोस्तों, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से एक है, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। और गाज़ियाबाद ज़िला उत्तर प्रदेश के विकसित ज़िलों में से एक है। इसकी सीमा देश की राजधानी से मिली हुई है। दोस्तों, दिल्ली से लगे होने के कारण उत्तर प्रदेश में प्रवेश का प्रमुख मार्ग है, इसलिए गाज़ियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। इस ज़िले का बॉर्डर उत्तर में मेरठ एवं बागपत ज़िला, दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर एवं बुलंदशहर ज़िला, पूर्व में हापुड़ ज़िला तथा पश्चिम में दिल्ली एवं हरियाणा राज्य का ज़िला है। दोस्तों, गाज़ियाबाद ज़िले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 46,81,000 से भी अधिक है, जिनमें पुरुष लगभग 24,88,000 और महिला लगभग 21,92,000 के आसपास है। इस ज़िले का कुल क्षेत्रफल 1179 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 3971 है और यहाँ का लिंगानुपात 881 है। दोस्तों, गाज़ियाबाद ज़िले में कुल आबादी का 72.93% हिंदू, 25.35% मुस्लिम, 1.72% के अंतर्गत क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्म के लोग हैं। यह ज़िला आबादी के मामले में देश में 27वें स्थान पर है और राज्य में 3रे स्थान पर है। इस ज़िले में 1 नगर निगम, 4 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत, 3 तहसील, 4 ब्लॉक, 17 पुलिस स्टेशन और 547 गांव हैं, जिनमें 6 विधानसभा क्षेत्र और 2 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। आइए जानें इस ज़िले के इतिहास और गठन के बारे में। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से गाज़ियाबाद एक समृद्ध शहर है। मोहन नगर से 2 किलोमीटर उत्तर में हिंडन नदी के तट पर स्थित केसरी के टीले पर की गई खुदाई से पता चलता है कि यहां लगभग 2500 BC में सभ्यता विकसित हो गई थी। जिले की पूर्वी सीमा पर गाँव कोट स्थित है, जो प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने किले और कोट कुलजम को नष्ट करने के बाद यहां अश्वमेध यज्ञ किया था, जो एक महान ऐतिहासिक महत्व की घटना थी। वर्ष 1313 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान यह पूरा क्षेत्र एक विशाल युद्ध क्षेत्र बन गया था। सुल्तान नसरुद्दीन, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपना बचपन यहाँ लोनी किले में गुजारा। उसी दौरान तैमूर का हमला इस किले पर हुआ था और उसके द्वारा किए गए मानव नरसंहार इतिहास में संदर्भित है। मुगल काल के दौरान लोनी का महत्व बढ़ गया, क्योंकि मुगल राजा शिकार और आनंद यात्राओं के लिए यहां आते थे। यह माना जाता है कि इस जगह की स्थापना 1740 में वजीर गाजी उद्दीन द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसे गाजी उद्दीन नगर कहा था। रेलवे लाइन खुलने के बाद जगह का नाम छोटा कर गाज़ियाबाद कर दिया गया। दोस्तों, 14 नवंबर 1976 से पहले गाज़ियाबाद ज़िला मेरठ की तहसील थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री NDतिवारी ने 14 नवंबर 1976 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर गाज़ियाबाद को जिला के रूप में घोषित किया। यहाँ की उद्योग और व्यापार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास में ज़िला गाज़ियाबाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक दिल्ली से इसकी निकटता है। औद्योगिक विकास की शुरुआत के साथ व्यापार और वाणिज्य की प्रवृत्ति ने एक समुद्री परिवर्तन लिया है। पहले व्यापार की मुख्य वस्तुएं कृषि आधारित थी, लेकिन अब औद्योगिक सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो पार्ट्स, पॉलिएस्टर, यार्न, रबर के सामान, जनरेटर, रासायनिक उत्पाद, दवाएं, कपड़े, सब्जी और रिफाइंड तेल आदि देश के अन्य भागों में निर्यात किए जाते हैं। दोस्तों, गाज़ियाबाद एक कृषि प्रधान ज़िला है। व्यापक खेती और व्यापक सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ज़िले का कृषि विकास अच्छी तरह से है और गेहूँ इस ज़िले की मुख्य फसल है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो गाज़ियाबाद ज़िले की कुल साक्षरता दर लगभग 78% है, जो कि राज्य की औसत साक्षरता दर से काफ़ी अधिक है। दोस्तों, यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान शंभुदयाल इंटर कॉलेज, MMH कॉलेज, गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स PG कॉलेज, जनता डिग्री कॉलेज,
मुल्तानी मल मोदी कॉलेज आदि हैं। दोस्तों, यहां की परिवहन व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। गाजियाबाद सड़क और रेल के माध्यम से देश की राजधानी तथा अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहां मेट्रो का परिचालन भी शुरू हो गया है, जो कि रेड लाइन से जुड़ा गया है। यहां का नज़दीकी हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि दिल्ली में है। यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर हिंडन एयरबेस का प्रस्तावित उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2019 को किया गया। दोस्तों, दुधेश्वर नाथ मंदिर, महामाया मंदिर, स्वर्ण जयंती पार्क आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको गाजियाबाद जिले की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटे के निशान को दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।